देखो हर एक नेता का एक डार्क साइड जरूर होता है। शेख हसीना का भी एक डार्क साइड है। इंडिया में उनको लेकर बहुत ज़्यादा भावनाएं बटी हुई, लेकिन एक बात सच है कि जब तक वो पावर में थी हिंदुओं की दुर्गति होती रही, और दूसरी पार्टी भी पावर में आ जाएगी तो हिंदुओं की दुर्गति होनी ही है बांग्लादेश में। जो एक बांग्लादेश की लेखिका थी तस्लीमा नाजरीन, उन्होंने कहा था कि इस देश को इस्लामिस्ट और कट्टरवादी लोग और जिहादी लोग डुबा देंगे पानी के अंदर। और इस बात को लेकर शेख हसीना इतना ज़्यादा गुस्सा हुई थी कि इस्लामिस्ट लोगों को खुश करने के लिए तस्लीमा नाजरीन को देश निकाला दे दिया था। और जब शेख हसीना का देश निकाला हो गया तो तस्लीमा नाजरीन ने कहा भी कि आप का भी बहुत जल्दी देश निकाला हो गया, क्या बात हुई। एक बात और क्लियर उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ पे फ्री थिंकर हैं, एथिस्ट हैं और किसी भी धर्म को ना मानने वाले हैं या हिंदू हैं, वो यहाँ पे मार दिए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ जिहादी और इस्लामिस्ट लोग रहेंगे और वो बांग्लादेश को एक दिन पानी के अंदर डुबा देंगे। और ये बात सच भी है क्योंकि आज ये पहली बार नहीं है कि इस्कॉन टेम्पल तोड़ा गया और भगवान किट्स की मूर्तियाँ जलाई गई हैं। जब शेख हसीना पावर में नहीं है रिजाइन कर दिया, जब वो पावर में थी तब भी माँ काली की मूर्तियों के जो सर थे वो काट लिए जाते थे और उनके ऊपर मांस फेंका जाता था दुर्गा पूजा में। ये सच्चाई है बांग्लादेश की, और ये अगला पाकिस्तान बनके रहेगा, कोई बचा नहीं सकता।